गाइज अन एकेडमिक तरफ से आप सभी के लिए एक बार फिर से बेस्ट बैच को लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला कि प्राइस हाइक होने वाला है 1 जुलाई से। ओल्ड प्राइस देख सकते हैं, न्यू प्राइस भी देख सकते हैं कि आप लोग चेंजिंग कितना होने वाला है, खुद से देख सकते हैं। एक मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेते थे पहले तो आपको 1600, अब मिलेगा आपको 1760 में, ठीक है। तो सब में बढ़ जाएगा 1 तारीख से, तो जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, इनरोल कर लीजिए, ठीक है। देखो ये एक बैच आ चुका है हम लोग का, लक्ष्य बैच करके है, जो कि एयरफोर्स और नेवी के लिए कंप्लीट कोर्स है गाइस। यहाँ पे मिलेंगे और इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर भी मिलेंगे आपको, पता है रामस्वरूप जानी सर के बारे में, दीक्षा मैम, प्रतीक दलाल सर, अभय शर्मा सर, कुमार अभिषेक सर, ठीक है। और ये आपका जो बैच है 26 जून से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और हम लोग का बैच है गाइस, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, टारगेट NDA 2 करके बैच है, जो कि आपका 30 जून से बैच को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये बैच आपका स्टार्ट है 26 तारीख से ही, तो चाहे तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसे भी ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी दोनों बैच बढ़िया है। इनरोल कैसे करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके फटाफट एक कोड डाल देना है GZT10, 10% डिस्काउंट के लिए, उसके बाद प्रोसेस टू पे करके अपना आगे प्रोसेस कर देना, ठीक है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए जीके के नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए, ठीक है। तो आज का जीके का जो सेशन है हमारा आज कितना है, वो सेट नंबर 4 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ तक मैं बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहाँ से सारी वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में है भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन बी में भारत और चीन के बीच, ऑप्शन सी भारत और नेपाल के बीच, और ऑप्शन डी में है चीन और नेपाल के बीच। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है। तो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके बीच यानी किनके मध्य झगड़ा है, तो देखिए ये झगड़ा है सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आप सभी को पता है, आप गेस भी कर सकते हैं, और वैसे भी भारत पाकिस्तान के साथ क्या होता है, हमेशा झगड़ा यानी झंझट होते रहता है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ही कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी में क्या है आपको सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। तो बता दीजिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, और ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये स्टेट प्रैक्टिस लगाना बिल्कुल ज़रूरी है और आपको रिविज़न करना बिल्कुल ज़रूरी है। मैं आपको स्टार्ट करती हूँ जीके का यानी टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज आपका जीके का कवर कराएंगे, टोटल कितने, टोटल 1000 क्वेश्चन का, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके जो SSSR की एग्ज़ाम होने वाली है या अभी तो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, लेकिन जैसे आपका एग्ज़ाम हो, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हमारा ये जो स्टेट प्रैक्टिस है वो चलते रहेगा। कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाली सारे स्टेट प्रैक्टिस होंगे, आपको बिल्कुल लगाना ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत का दक्षिणी नोक है। ऑप्शन ए केप किमोरिन, ऑप्शन बी कैलीमेयर बिंदु, ऑप्शन सी इंदिरा बिंदु, और ऑप्शन डी में त्रिवेंद्रम में कोलम। राइट आंसर कमेंट करेंगे अगर आपको इस क्वेश्चन का भी पता आंसर होता, ठीक है। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि केप किमोरिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो भारत का दक्षिणी नोक है वो है केप किमोरिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे। ये सवाल जीके का है, लेकिन आपको लगेगा कि ये सिर्फ रीजनिंग है, रीजनिंग नहीं है, बल्कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये जीके का ही सवाल है। सवाल अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ पे कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ए में क्या है, गुजरात, सॉरी 1 नंबर में गुजरात है, 2 नंबर में पश्चिम बंगाल, 3 नंबर में उत्तर प्रदेश, 4 नंबर में झारखंड, और 5 नंबर में मध्य प्रदेश, 6 नंबर में बिहार, जबकि 7वां नंबर में छत्तीसगढ़। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उन्हें
पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए, ठीक है, पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाने को कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, 2 4 7 5 1 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दो में सबसे पहले कौन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले आपको बता दूँ तो क्लियर है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बी में सबसे पहले क्या है, दो, यानी पहले पश्चिम बंगाल, फिर आपको झारखंड, फिर आपको छत्तीसगढ़, फिर आपको मध्य प्रदेश, और फिर आपको क्या हो जाएगा, बिहार, और फिर गुजरात। ऐसे इस क्रम को आपको लगाना होगा। ये सारा आपको लग रहा है कि ये जो टॉपिक, ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये, ठीक है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको आंसर खुद पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत का अलग करती है। ऑप्शन ए चीन से, ऑप्शन बी म्यांमार से, ऑप्शन सी पाकिस्तान से, और ऑप्शन डी बांग्लादेश से। देखिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी का क्या है हमारे पास, म्यांमार से हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है म्यांमार से, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आगे बढ़ने से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन घंटी होगा वो आपको दबाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा नया वीडियो होगा, जो नई अपडेट होगी, जो एमआर से जो भी नई अपडेट होगी, आपको उस अपडेट को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन के ऊपर है कि राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सेवाएँ लगी हुई है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, मैप के द्वारा आप इसे आप रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ज़्यादातर मैप से ही क्वेश्चन आपके भी इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में है कि राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएँ लगी हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ऑप्शन बी में है नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, असम और मिजोरम, और ऑप्शन डी में है नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, नागालैंड, असम और मिजोरम, जो कि मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। ये 3 राज्य हैं जो मणिपुर की सीमाएं हैं। ठीक है, थीके? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया। बहुत ही अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। सवाल ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी में है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, और ऑप्शन सी में है सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ, और ऑप्शन डी लॉरिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ हो जाएगा राइट आंसर, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका निर्धारण इन्होंने ही किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी त्रिपुरा। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर त्रिपुरा ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जो क्या है, 3 राज्यों की तरफ से बांग्लादेश घिरा है, यानी त्रिपुरा से घिरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि डुरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, भारत और चीन की, या फिर आपको मैक्सिको की। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि पाकिस्तानी की सीमाओं, जो पाकिस्तान है इसकी सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी में गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, और ऑप्शन डी में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। राइट आंसर कमेंट करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं जो भारत जो पाकिस्तान की सीमाओं से लगे रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ये 4 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगे रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है।
ऑप्शन ए में वे आकार में काफ़ी छोटे हैं, ऑप्शन बी वे सभी प्रबाल उद्यम के हैं, और ऑप्शन सी वहाँ अति शुष्क जलवायु है, और ऑप्शन डी में है वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र है। राइट आंसर कमेंट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 का। और देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे सभी प्रबाल उद्गम के है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी नागालैंड। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। और देखिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर, जो कि भारत का पूर्वतम स्थान ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नागरिकों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व और अवस्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ, और ऑप्शन डी में है बेंगलुरु। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 का, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, लखनऊ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल है। अगला सवाल ये कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। ऑप्शन ए अंडमान द्वीप समूह में, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या, अंडमान द्वीप समूह हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, अगला सवाल ये कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी। आपको एग्जाम में राज्य राजधानी, मुख्यमंत्री, ये सब सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए गुंटूर, ऑप्शन बी कुरनूल, ऑप्शन सी नेल्लोर, और ऑप्शन डी में है वारंगल। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, कुरनूल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले, यानी भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहले प्रातःकाल यानी सूर्य की जो किरणें आती, जो रोशनी होती है, वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही आती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देखिए यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य की पूछी जा रही है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या है हमारे पास, ऑप्शन डी में है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पे ये कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य के सात बहनों का भाग नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है, ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी में है त्रिपुरा। और ऐसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, सी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। ऑप्शन ए उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी में है उत्तरी पर्वत, ऑप्शन सी तटीय मैदान, और ऑप्शन डी दक्षिण का पठार। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण का पठार हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।